क्या आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, क्या प्रूफ है आपके पास कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो? तो मेरे पास मेरा आधार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए प्रशांत सारडा। बहुत बहुत स्वागत है आपका अगले फ्राइडे लेक्चर में, मेरा आधार मेरी पहचान। तो क्या एग्जैक्टली होता है आधार? दिस आधार वॉज इनिशिएटिव ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट which was implemented by BJP government. It was launched on 28th of January 2009 and ab tak ke record ke hisab se kareeban 130 crore aadhar card aadhar numbers india mein issue ho chuke hai. So who exactly is the issuing authority for aadhar card in india? It's UIDAI, unique identification authority of india, jinke paas authority hai hum sabhi ko unique identification number dene ki. इस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के तहत हमें समझता है कि हमारा यूनिक नंबर इंडिया में कौन सा है। तो आखिर आप जब आधार कार्ड निकालने गए थे तो आपको याद है क्या क्या जानकारी रजिस्ट्रेशन के वक्त आपकी ली गई थी? तो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी में आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका जेंडर मेल फीमेल, आपका एड्रेस, ये सब तो लिया ही था। उसके साथ साथ आपके बायोमेट्रिक डिटेल्स भी लिए गए थे एंड साथ ही साथ डेमोग्राफिक डिटेल्स भी लिए गए थे। बायोमेट्रिक डिटेल्स माने के आपके रेटिना का स्कैन, आपके आइरिस का स्कैन, आपके फेस का स्कैन किया गया था, आपके फिंगरप्रिंट्स, वो भी पूरे 10 फिंगर्स के फिंगरप्रिंट्स आपके रजिस्ट्रेशन के वक्त लिए गए थे। डेमोग्राफिक डेटा में आपके फैमिली में कितने मेंबर्स है, आपका एजुकेशन कितना हुआ है, सब डिटेल्स लिए गए थे। तो ये डेटा UIDAI ने पूरा स्टोर करके उनका डेटाबेस, उनके डेटाबेस में रखा है। तो अगर इतना सब डेटा UIDAI के पास है तो क्या ये आधार नंबर जो हमें मिला है हमें इसे बहुत सोच समझ के नहीं यूज करना चाहिए? चलो जान लेते हैं कि काफी बार हम रियल लाइफ में कब आधार कार्ड और कैसे यूज करते हैं। तो सिंपल से क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे, तो फ्रेंड्स अगर हम लोग बैंक अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो हमें आधार कार्ड कंपल्सरी है क्या? तो इसका सिंपल सा आंसर है, RBI एक्ट के तहत बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शनल है। बट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आपको आधार कार्ड बैंक के साथ लिंक करना होता है। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख या उससे ज्यादा अमाउंट होती है तो आपको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आपका आधार नंबर आपके बैंक के साथ लिंक करना कंपलसरी हो जाता है। तो काफी बार बैंकर्स इसे मैंडेटरी मान लेते हैं और डेफिनेटली ये जरूरी भी है कि आपको इंडिया में रहते हुए लॉ की कंप्लाइंसेस का ख्याल रखना है। तो बैंक अकाउंट की हद तक यस, आपको आधार कार्ड नंबर देना जरूरी है। पॉइंट नंबर टू आता है दोस्तों कि आप काफी बार मोबाइल कनेक्शन लेने जाते हो। आप जब मोबाइल कनेक्शन लेने जाते हो तो आपको मोबाइल कनेक्शन ले जाते वक्त, लेने के वक्त आधार कार्ड देना जरूरी होता है क्या? चलो मार्केट में जाने के वक्त हमारा रिएक्शन देखते हैं। भैया मुझे एक नया मोबाइल कनेक्शन चाहिए। अच्छा, आपको एक नया मोबाइल कनेक्शन चाहिए? हाँ जी। तो आप अपना आधार कार्ड का जेरॉक्स दीजिए सर। आधार कार्ड का जेरॉक्स तो नहीं है भैया, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी मेल कर दूं मेरे आधार कार्ड की? चलेगा, डन सर। चलेगा? हाँ। शायद मेरा, यस सर, है मेरा आधार कार्ड का जेरॉक्स भी अवेलेबल। अरे वाह, थैंक यू सर। तो इतने आसानी से हमने हमारा इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दे दिया। क्या लगता है आपको कि ये जो फोटो कॉपी आपने शेयर किया, या काफी बार हम लोग ये जो हमारे सॉफ्ट कॉपी में आधार कार्ड शेयर कर देते हैं, क्या ये 12 डिजिट का आधार नंबर इतना इजीली हमने दे देना चाहिए किसी को? मोबाइल कनेक्शंस लेते वक्त दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है, आधार नंबर कंपलसरी नहीं है, वो एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है। आप आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पैन कार्ड भी दे सकते थे, बट आपने प्रेफर किया आधार कार्ड। शॉपकीपर ने भी क्या मांगा है, इज आधार कार्ड। इसके अलावा हम लोग होटल स्टे के लिए जाते हैं, जब हम होटल स्टे के लिए जाते हैं तो रिसेप्शन डेस्क पर हमें पूछा जाता है आधार कार्ड का जेरॉक्स दे दो, और हम तुरंत इमीडिएटली दे देते हैं, और नहीं रहेगा तो उसी का सॉफ्ट कॉपी शेयर कर देते हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं हम एडमिट होने के लिए कभी, तो उस वक्त भी आधार कार्ड इजीली शेयर कर देते हैं। इनफैक्ट स्कूल एडमिशन के वक्त भी हम लोग आधार कार्ड इजीली शेयर कर देते हैं। बट आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आधार कार्ड शेयर करना कंपलसरी नहीं है, ये इन सभी जगह ऑप्शनल है। सिर्फ बैंक एक ऐसी जगह थी जहां पे आपको मैंडेटरी था बिकॉज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इतना पूरा जानकारी UIDAI के पास है तो अब मेरे मन में यह विचार आ रहा है, शायद आपके मन में भी आ रहा होगा, कि क्या मेरा डेटा सेफ है,
क्या यूआईडीआई ने मेरा डेटा पूरा सेफ रखा है या व्हाट एग्जैक्टली इज द केस? सो डेफिनेटली अगर यूआईडीआई की माने तो हमारा पूरा डेटा सेफ है क्योंकि उनका सिस्टम हैक प्रूफ है। एट द सेम टाइम ये जरूर हम जानते हैं कि हमारे आधार वेरिफिकेशन विदाउट ओटीपी ऑन अवर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं हो सकते। तो उस लॉजिक से अगर मैं बात करूं तो हमारा डेटा जो यूआईडीए के पास है वो डेफिनेटली सेफ है। बट क्या होगा अगर इस तरीके से हम लोग इजिली अपने फोटो कॉपीज ऑफ आधार शेयर कर दे, इजिली हम लोग सॉफ्ट कॉपी ऑफ आधार शेयर कर दे, तो डेफिनेटली इसका मिसयूज भी हो सकता है। फ्रेंड्स इसका मिसयूज क्या होगा, ये जो मेरा आधार है ये आधार शायद टेररिज्म के लिए यूज होगा, शायद क्रिमिनल्स के लिए यूज होगा, शायद फिशिंग जो कि इंटरनेट फ्रॉड होता है उसके लिए भी यूज हो सकता है। एंड डेफिनेटली यहां पर हम लोग शायद बहुत गलत कर रहे हैं हमारे इजीली फोटोकॉपीज या सॉफ्ट कॉपीज ऑफ आधार शेयर कर। सो अगर फोटोकॉपी या आधार के सॉफ्ट कॉपी या यू नो शेयर नहीं करना है तो व्हाट एग्जैक्टली इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज गाइस मास्क आधार कार्ड। आपने नाम सुना रहेगा, लेटेस्ट में यूआईडीआई ने 27th ऑफ मई 2022 को प्रेस रिलीज लाया था और उसमें उन्होंने क्लियरली बोला था इट इज नॉट मैंडेटरी टू शेयर योर आधार कार्ड एट सो मेनी प्लेसेस एंड बी केयरफुल व्हेन यू आर शेयरिंग योर आधार कार्ड, प्लीज डोंट शेयर द फिजिकल कॉपी ऑफ योर आधार कार्ड। ये सब प्रेस रिलीज 27th ऑफ मई 2022 को आया है और अगर ये प्रेस रिलीज आता है तो हमारे पास इसका सिंपल सा सॉल्यूशन क्या रहेगा? हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन रहेगा प्रेस रिलीज के अनुसार हम लोग ने देना चाहिए मास्क आधार कार्ड। तो आखिर ये मास्क आधार कार्ड अपना हम लोग कहां से ले सकते हैं? द वेरी सिंपल टेक्निक इज दैट यू हैव टू विजिट uidi.gov.in वेबसाइट। अगर आप इस वेबसाइट पर जाओ तो इस वेबसाइट में आपको एक टैब दिखेगा जिसमें लिखा है माय आधार। वहां पर अगर आप लॉग इन करो तो उस टैब के अंदर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है डाउनलोड आधार, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये डाउनलोड आधार में जब आप क्लिक करोगे तो आपको वहां पर एंटर करना होगा आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर और उसके साथ साथ आपको जो कैप्चा दिया है वो कैप्चा करेक्टली एंटर करना होगा और नीचे जो सेंड ओटीपी दिख रहा है वहां पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप वहां पर क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी आएगा, वो करेक्ट ओटीपी आपको यहां पर एंटर करना है और जैसे ही आप करोगे नीचे ऑप्शन दिया है लॉग इन और आपने जैसे ही लॉग इन प्रेस किया और जैसे ही आपने लॉग इन किया तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यहां पर डाउनलोड आधार, यहां से आप क्लिक कर आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद यहां से आप क्लिक कर आगे बढ़ सकते हो और इसके बाद आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है डू यू वॉन्ट योर मास्क आधार। डू यू वॉन्ट योर मास्क आधार पर जब आप क्लिक करते हो और डाउनलोड ऑप्शन क्लिक कर देते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट योर मास्क आधार कार्ड। फाइनल स्क्रीन पर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन वाला मैसेज भी दिखेगा। So finally, you got to know how to download and get your mask Aadhaar card. That's the ultimate solution of every problem. Now, काफी questions हमारे दिमाग में Aadhaar card related आते हैं। शायद ये presentation सुनते सुनते शायद आपके दिमाग में भी कुछ questions ऐसे आए होंगे कि सर अगर UIDAI हमारी पूरी जानकारी उनके पास है, आपका पूरा का पूरा you know details उनके पास ready है, तो क्या UIDAI आपकी activities को भी track कर रहा है? आप कहां जाते हो, आप कहां स्टे करते हो, आप क्या कर रहे हो, रूटीन में आप इन्वेस्टमेंट्स कहां कर रहे हो, क्या ये जानकारी भी यूआईडीआई ट्रैक कर रहा है? या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि मैं जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूं मेरे शेयर्स में, मेरे म्यूचुअल फंड्स में या मेरे बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो कितना है, एफडी में पैसा कितना है, क्या ये सब चीजों की जानकारी यूआईडीआई ट्रैक कर रहा है? द अल्टीमेट आंसर टू दिस क्वेश्चंस इज अ बिग नो। UIDA का काम आपके एक्टिविटीज को ट्रैक करना नहीं है, उनका काम सिर्फ आपका ये पूरा डेटाबेस मेंटेन करना है एंड अल्टीमेटली आपको आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देना है। दे आर द अथॉरिटी टू इश्यू द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर टू मेंटेन द ऑपरेशन ऑफ द होल सिस्टम, बट दे आर नॉट देयर टू ट्रैक योर एक्टिविटीज एनी हाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या मेरा बैंक अकाउंट हैक हो सकता है अगर मैंने किसी के साथ मेरा आधार नंबर शेयर कर दिया तो? द आंसर अगेन टू दिस क्वेश्चन इज बिग नो, बिकॉज आप बैंक डिटेल्स हैक नहीं हो सकते क्योंकि उसके लिए आपको लगता है आपका ओटीपी जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही मिलता है आपको। तो अगेन बी रेस्ट एश्योर्ड कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपका बैंक अकाउंट हैक होगा। बट रियल लाइफ में हम देखते हैं कि काफी एजेंसीज ऐसी होती है जो आपका आधार कार्ड ओरिजिनल मांगती है,
मतलब आपको वो पूरा 12 डिजिट आधार कार्ड मांगती है। आपको वो ये नहीं मांगते कि आपका मास्क आधार कार्ड दे दो, इनफैक्ट वो तो एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, और वो बोलते हैं नहीं नहीं ये हमें पता नहीं है, हमें पूरा 12 डिजिट वाला आधार चाहिए। ऐसे वक्त हम क्या करें? तो ये जो लिंक दिख रही है, इस लिंक पर आप जा सकते हो और आप कंप्लेन कर सकते हो। UIDAI का ये लिंक है जहां पर आप कंप्लेन कर सकते हो और डेफिनेटली उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी और आप निश्चिंत रहकर आपका मास्क आधार कार्ड यूज कर सकते हो। बीच में मीडिया में एक बहुत बड़ी न्यूज थी कि ये जो डेटा है हमारा आधार का ये लीक हो चुका है। टू बी मोर प्रिसाइज इन द मंथ ऑफ मई ये हुआ था, मई 22, इसलिए प्रेस रिलीज बाद में लाया गया था। तो गाइज क्या ये इंफॉर्मेशन सच है कि हमारा डेटाबेस लीक हो चुका है? द आंसर टू दिस इज नो। अकॉर्डिंग टू UIDAI आज तक जब से उनका इंसेप्शन हुआ है तब से लेकर अब तक कोई भी इंफॉर्मेशन उनके एंड से लीक या ब्रीच नहीं हुआ है। तो हमारा डेटा पूरा उनके पास सेफ है। जो डेटा हम उन्हें देते हैं वो कहाँ स्टोर होता है, हु इज द अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट, तो वो डेटा सेफ होता है, सेफ वे में CIDR के पास होता है, दैट इज सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी। सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी, इनके पास हमारा डेटा सुरक्षित है। तो ऐसा कोई डेटा ब्रीच नहीं हुआ है अगर हम लोग सूत्रों के अनुसार जाए तो। व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन मास्क आधार कार्ड एंड ओरिजिनल आधार कार्ड? तो आप देख सकते हो एक तरफ ओरिजिनल आधार कार्ड में मुझे पूरे 12 डिजिट नजर आ रहे हैं, मेरा पूरा नाम डेट ऑफ बर्थ है और एट द सेम टाइम मेरा एड्रेस भी है, बट ओरिजिनल आधार कार्ड में मेरे पूरे 12 डिजिट दिख रहे आधार कार्ड के, जबकि मास्क आधार कार्ड में मेरे पास नेम डेट ऑफ बर्थ एड्रेस ये सब तो दिख ही रहा है बट लास्ट के 4 डिजिट ही नजर आ रहे हैं और पहले के डिजिट्स पर यहां पर क्लियरली मास्क किया हुआ है, मतलब एड्रेस किया हुआ है। एड्रेस करने की वजह से पहले के 8 डिजिट क्या थे ये नहीं समझेंगे, सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट पर काम होगा। तो लास्ट के 4 डिजिट जब आप किसी के साथ शेयर करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी जब आप शेयर करोगे तो आगे आपका काम कहीं रुकेगा नहीं। तो आई होप ये जानकारी आपको यूजफुल रहेगी। इसके आगे हमने ये सीखा कि कहीं पर भी हमने हमारा आधार कार्ड का फोटोकॉपी नहीं देना है, सॉफ्ट कॉपी तो बिल्कुल नहीं देना है। एट द सेम टाइम एक नया अनाउंसमेंट जो UIDAI ने किया, मैंने वो आपके साथ शेयर किया है कि आधार कार्ड आपने मास्क वे में शेयर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया हो। डू फॉलो माय यूट्यूब चैनल, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी यूजफुल है तो जरूर जरूर आपके फ्रेंड्स रिलेटिव सबके साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। एंड फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।